रही है आज की डेट में बीमारी और बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो बीमारी से और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। तो आज हमारी कंपनी ने बीमारी और बेरोजगारी के जो प्लेटफार्म जो खाली पड़े थे उस पर भर्ती शुरू की है और हम जैसे बेकार लोगों को जो है भर्ती किया है और हम जैसे बेकार लोगों ने वो उस भर्ती में शामिल हुए और हमने अपने पूरे जीवन को इस उम्र में जो आज हमारी उम्र है इसी उम्र में हमने पूरे जीवन को बदल दिया है। तो जानना चाहेंगे आप? यस। भाई मजा नहीं आ रहा है, मुझे लगता है काफी समय हो गया। क्या जानना चाहेंगे? यस। बीमारी और बेरोजगारी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज हो चुकी है। फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत ही मतलब जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त है। और आज आपको मुंह मीठा करने का आपको मौका मिला है और आगे चलेंगे, बात करेंगे उस पर। तो बीमारी और बेरोजगारी आज हिंदुस्तान भर में आप लोग देख ही रहे होंगे, हम हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर बीमारी पे मतलब कितना काम और कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितनी बीमारियां हैं हमारे समाज के अंदर। आज हम उन बीमारियों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जैसे सांस, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइडिस, कोलाइटिस, भगंदर, बवासीर, माइग्रेन, डिप्रेशन, जोड़ों में दर्द, पैरों में ऐंठन, सुन्नपन, लंगड़ाहट, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, डायबिटीज, कैंसर। बीमारियां हमारे समाज के अंदर लगातार बनी हुई है और बनी नहीं हमारे परिवार में ही है। इनका मूल कारण क्या है? इनका मूल कारण है पेस्टिसाइड। आज हमें अनाजों के माध्यम से, फलों के माध्यम से हमारे खाने तक आ रहे हैं, हमारे थाली तक आ रहे हैं और हमारे पेट तक जा रहे हैं, हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र को, क्रिया विधि को और हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। अब हम ये जानते हैं और हम समझते हैं कि आज हमने लौकी में स्प्रे की है, तुरई में स्प्रे की है, हमने अनाजों में किया है, वो तो हम पे असर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे जानवर हैं उन पे भी बड़ा असर देखने को मिला है। आज हमारे जानवर क्या खा रहे हैं? हरा चारा खा रहे हैं। हम जिस क्षेत्र में है वहां धान, गेहूं, गन्ना होता है तो धान में भी स्प्रे होती है, गेहूं में भी होती है, नीचे रासायनिक पेस्टिसाइड डाला जाता है और गन्ने में भी बहुत बड़ी मात्रा में जहर का इस्तेमाल किया जाता है। आज वही उसका गोला और वही भूसा और वही पैरा और वही हरा चारा उसी जमीन में से आज हमारे जानवर खा रहे हैं, जिससे हमारे जानवरों के अंदर बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। जैसे जानवरों का लीवर डाउन होता है, जानवर बांझपन से शिकायत हो रही है, बांझपन बनते चले जा रहे हैं, जो एक बार गाभिन होते हैं एक बार फिर दोबारा नहीं होते हैं, दूध नहीं दे पा रहे हैं, उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई जा रही है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जा रही है और उनके अंदर तरह तरह की बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जानवरों में देखने को मिली हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये अखबार कहता है, ये WHO की रिपोर्ट कहती है, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, मैंने जो अखबार में पढ़ा है, जो लिखा गया है मैं उसी को डुप्लीकेट कर रहा हूं। तो उसका असर जानवरों पर भी पहुंचा है। तो आज जो हमारे पास जो आपने देखा है कि गोली है, कैप्सूल है और ये सीरप है, तमाम जो प्रोडक्ट है जो है वेटरनरी के भी हैं, हेल्थ के हैं और एग्रीकल्चर के हैं, ब्यूटी केयर के हैं, ये चार सब्जेक्ट हैं। हमारे यहाँ जो आपने गोली और कैप्सूल देखे हैं, नॉट फॉर मेडिसिन, ये कोई दवा नहीं है। मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये कोई दवा नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये न्यूट्रिशन है। क्या है? सप्लीमेंट। अनाजों में, फलों में, सब्जियों में, अंडा, मांस, मछली में, दूध, घी में, इत्यादि में जो सूक्ष्म पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिलते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने गोली एंड कैप्सूल बना के तैयार कर दिए हैं ताकि आप दिन में गोली और कैप्सूल खाने के साथ ले लें, ताकि आपके शरीर में 24 से प्लस एंटीऑक्सीडेंट जो भोजन से नहीं मिल रहे वो आपको मिल जाए, ताकि आपके शरीर का सुरक्षा तंत्र चलता रहे, आपके शरीर की क्रिया विधि चलती रहे और आपको हर दिन आपके शरीर में निर्माण होता रहे। इस क्षेत्र में हमारी कंपनी काम करती है हेल्थ पे। मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ? Yes.
काम कंपनी काम कर रही है जो कि हेल्थ पे सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन लेके आई है। हर आदमी को जरूरत है, आज हर घर में बीमार लोग हैं, आज आपको डायबिटीज कैंसर आपको देखने को मिल रहा है, आज आपको पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, आपको हार्ट अटैक के मरीज देखने को मिल रहे हैं, वो अन कहीं नहीं है, वो हमारे घर और परिवार हमारे आस पास ही है। कैसे बचेंगे हम, हमारे पास समाधान, क्या हम वो जहरीला खाना खाना बंद कर देंगे, क्या हम वो सब्जियां खाना बंद कर देंगे, क्या हम जहर लगाना बंद कर देंगे, क्या हम अनाज उगाना बंद कर देंगे? नहीं। 5% हिंदुस्तान में फैली हुई है। आज आप युवाओं को देखिएगा, इतनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, जितनी डिग्रियां हैं उनका 5% उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes. आज यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे साथीगण ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियों की लाइन लगी है लेकिन उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। और इस हॉल के अंदर जो बैठे हैं और हम बात करें हिंदुस्तान की, तो कितने करोड़ युवा ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी 30 से 35 वर्ष तक समय दिया है एजुकेशन को और उन्हें उनकी मतलब की जॉब नहीं मिल पाई है। हमारे माँ बाप सपना देखते हैं, हमारे माँ बाप हमें कैसे कैसे करके पढ़ाते हैं, कैसे कैसे हमारी फीस देते हैं, और वो एक सहारा और एक आस देखते हैं, आशा देखते हैं कि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा और वो बड़ा होके हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes. हर माँ बाप, हम भी माँ बाप बने हैं, हमारे मतलब ये तो चीजें हैं वो तो अपडेट होती रहेंगी। आज आपके माँ बाप हैं, कल आप भी माँ बाप बनोगे। जिस तरह से आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, उस दौर में आपके माँ बाप ने भी अच्छी एजुकेशन के लिए सोचा था। बात करते वहां पे वो समय का खेल था, वो समय था, और आज समय अपडेट हो चुका है, आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आज समय आगे बढ़ गया है। तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर है जो हमें डायरेक्ट अटैक कर रहा है, हमारे सपने पे अटैक करता है, हमारी चाहतों पे अटैक करता है, हमारे परिवार पे अटैक करता है, हमारे हर वो चीज पे अटैक करता है जो हमारी एक चाहत बन के बैठी है। आज बेरोजगारी उस पे अटैक करता है, आज महंगाई उस पे अटैक करता है, हर आदमी कामयाब और अमीर बनना चाहता है। क्या अमीर अमीर होते हैं? क्या गरीब अमीर नहीं होता है? क्या कहीं लिखा है? आज से 5.5 साल पहले मैंने बिजनेस की शुरुआत की और आज से 5.5 साल पहले मैं गन्ना छीलता था। आज से 5.5 साल पहले सुबह उठ के 4 बजे गन्ना छीलने अपने खेत जाता था और 4 बजे से 7:30 बजे तक 22 से 25 धड़े छीलता था। फिर मेरे पिताजी आते थे, वो छीलते थे, दूसरे दिन हमारे सेंटर की 20 क्विंटल की गन्ने की पर्ची थी तो दूसरे पिताजी फिर पर्ची छीलते थे, फिर मैं सुबह जाता था तो 75 धड़े हो जाते थे। इसके बाद मैं अकेला भरता था और अकेले भरने के बाद, और इससे 5.5 साल पहले मेरे पास बैलगाड़ी थी। मैं ये भी आपको बता दूं, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं था 5.5-6 साल पहले, और मैं अपनी बैलों को लेके जाता था, उसमें चारा डालता था, मम्मी से कहता था मम्मी आप इसमें 2 कट्टे डाल रख देना, मैं सुबह उठ के जाऊंगा मैं अपने बैलों को लेके। अमीर कामयाब बनने की हमारे अंदर एक ऐसा कीड़ा पनपा दिया था, ऐसी चाहत हमारे अंदर उत्पन्न करवा दी गई थी कि मुझे तो अमीर और कामयाब बनना है। हालांकि इतनी पढ़ाई नहीं थी हमारी, मैं 4 बजे उठ के अपने बैलों को लेके जाता था, उसमें नीरन रख लेता था और उसके बाद मैं उनको आगे डाल देता था, बांध देता था, अपना छीलता रहता था 20 से 25 दड़ा छीलने के बाद, और कल का स्टॉक। घंटे थे, पतले थे, दुबले थे, लेकिन परमात्मा ने इतनी ताकत दे दी थी कि अकेले वो अपना डल्लम जो भर लिया करते थे, 2 टेंपो पीछे लगा लेते थे, आगे लगी जाती थी, रस्सी फंदे वाले से कस लिया करते थे, और इसके बाद 4-6 धड़े जो ऊंचा हो जाता था 4-6 धड़े उसके डल्लम के पहिया के पास डाल लेते थे ताकि हम उस पे चढ़ के हमारी जो फांदी है वो डल्लम पे चली जाए। मैंने इस तरह से मैंने काम किया, और जब मैं सेंटर जाता था तो फोन करता था, पापा हम सेंटर बाजना डल्लम सेंटर पहुंच गया, मैं वहां से निकलता था और मैं सीधे गांव से 100 मीटर पहले अपने बटन खोलना शुरू कर देता था, वहां से फोन कर देता था मैडम को कि आप पानी गर्म कर लो।
वो गर्म कर रहे थे, भी मैं नहा लेता था, खाना और जितने भी प्रोडक्ट थे वो हमारी बैग में रख दिया करते थे। उस समय हमारे पास दहेज की एक मोटरसाइकिल थी और उस मोटरसाइकिल से हमने विजिट किए, हमने दूर दूर जाना हुआ, हजारों लोगों से मिले, लेकिन हमने उस बीच में हमारे क्लाइंट ने एक बात हमसे कह दी थी कि अमरपाल अगर आप हजार लोगों से मिलोगे तो आपको 6-7-8 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको करोड़ों बना देंगे। मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वही बात चलेगी, मैं हजार, मुझे वही हजार लोगों में से 7-8 लोग मैं ढूंढ रहा था। आज लोग मीटिंग जाते हैं, आज लोग फ्रीडम जाते हैं, कहते हैं कि मेरे से मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरे से जुड़ नहीं रहे हैं। मुझे वो 7-8 लोग कैसे ढूंढेंगे? आप ज्योतिषी नहीं है, आप ज्योतिष नहीं पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हजारों में मिलेंगे वो 7-8 लोग, और मैं हजारों में मिला हूं, मुझे 7-8 लोग मिल गए जिन्होंने मेरा प्रति महीने की मेरी इनकम जो 4 लाख के करीब ला दी। पिछले महीने का चेक 1,85,000 है, इसका 1.5 गुना लगा लीजिएगा हमारा कार फंड। मैं ये जानता था, मुझे ये बताया गया था, और मैं विजिट जाता था, और मैं लोगों को, और बहुत सारे लोग आज मेरे साथ कार अचीवर हैं, ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये सब वो लोग हैं जहां मैंने अपनी आवाज को बोलना शुरू किया, जहां मैंने लोगों को बताना शुरू किया, और परमात्मा ने उन्हीं लोगों के माध्यम से आज मेरे साथ 17 से 18 कार अचीवर बन गए।